हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। बर्तमान मुझे आलोचना करके जाऊे गुप्त साम्राज्य विषय में। यहाँ हूँ प्रथम भाग। ये प्रथम भाग में आम आलोचना करवा गुप्त साम्राज्य उत्थान एवं अभिवृद्धि संपर्क में। बट बिफोर डूइंग दैट, जदि आप चैनल को सब्सक्राइब करना, देन प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। मौर्य समाज पतन पर सातवाहन और कुषाण मैंने निज निजर शक्ति वृद्धि करने को लगे। सातवाहन डेकान और दाक्षिणात्यर राजनीतिक स्थिरता सृष्टि करते। राजनीतिक स्थिरता पचर था राजनैतिक एकता, रोमान वाणिज्य सृष्ट शक्तिशाली अर्थव्यवस्था। सातवाहन मानक परी कुषाण मैंने उत्तर भारत अंचल निज प्रभाव विस्तार करते। से जहाँ भी हो, उभय साम्राज्य तृतीय शताब्दी मध्यभाग आड़ निश्चिन्न हो जाते। उत्तर भारत में कुषाण मानक साम्राज्यर अवशेषांशु मुंड टेकला आउ एक साम्राज्य जार ना था गुप्त। अनुमान कराए कि गुप्त मैंने आरंभ वैश्य थे। तत्कालीन वर्ण व्यवस्था भिन्न भिन्न व्यक्तिर वर्ण अनुसार भिन्न भिन्न उपाधि मिलूला। जपरिक ब्राह्मण मानक उपाधि मिलूला श्रमण, जार अर्थ हो पवित्र। क्षत्रिय मानक उपाधि मिलूला बर्मन, जार अर्थ हो कवच। वैश्य मानक गुप्त उपाधि मिलूला जार अर्थ जहाँ लुचि जा। शूद्र मानक कहला दास अर्थात सेवक। जदि गुप्त साम्राज्य कुषाण मानक परी अति बृहत नाला, यह उत्तर भारत को एक प्रकार राजनीतिक एकता और स्थिरता प्रदान कर। साम्राज्य पखापाखि 335 एडी रु 455 एडी पर्यंत शासन करथिला। या मुख्यतः उत्तर प्रदेश और बिहार को केन्द्र कर गठित होता। कारण अधिकांश गुप्त मुद्रा यही उत्तर प्रदेश एवं बिहार रु ही मिली। अनुमान कराए गुप्त मानक केन्द्र थिला प्रयागराज, एवं एठू ही सेमाने चारिदिक को निजर प्रभाव विस्तार करथिले। एहा मध्ये अनुमान कराए जे गुप्त मैंने कुषाण मानक सामंत थिले। धीरे धीरे कुषाण मैंने दुर्बल हेबारु एमाने शासन को आसीथिले। कारण उत्तर प्रदेश एवं बिहार अनेक स्थान खनन जना पड़ी जो प्रथम आमको गुप्त मुद्रा मिलूँ, ता तले आउ टे खनन कले कुषाण मुद्रा मिलू। अनुमान कराए जे गुप्त मैंने बोताम, ट्राउजर, कोट, बुट, घोड़ापीठर सीट जाक साडेल कहुए, यह सब कुषाण मानक हिं शिखी। एसबुर व्यवहार द्वारा गुप्त मानक अश्वारोही मैंने बहुत एक्सपर्ट हो पारे। पूर्वर कुषाण मैंने जो अश्वचालित रथ हाथी इत्यादि व्यवहार करते सब बाद दे गुप्त मैंने केवल कुशली अश्वारोही मानक नहीं युद्ध रणनीति करुले। गुप्त मुद्रे आमको यह सब देखा मिल। जदिओ किसी गुप्त राजा को सफल रथी सफल महारथी आख्या दी जाएगी, किंतु गवेषण एक स्पष्ट जे गुप्त मैंने मात्राधिक प्राधान्य देते अश्वारोही मानक एवं से परिमाण में इग्नोर करुले रथ मानक हाथी मानक। केतोड़े कथा गुप्त मान फेवर मत जाता, जपरिक उत्तर प्रदेश और बिहार उर्वर मृत्तिका, मध्य भारत और दक्षिण भारत लौह खणी व्यावसायिक दृष्टि अति गुरुत्वपूर्ण सिल्क रूट्र निकटता जोटा कि रोमान वाणिज्य व्यवहूत होता। तो यह सब जिन फायदा उठाई गुप्त मैंने निजक शक्तिशाली करते। कह रखी जे सिल्क रूट हूँ बहुत पुराणा रूट, जितेबाला चाइनीज मानक प्रथम सिल्क्र व्यवहार जना पड़ा। सेमाने टेक्निकटा सिल्क बाहर करवा टेक्निकटा बाहर दुनिया को इतना जणी नथिले एवं ताको क्लोजली गार्ड करथिले। पाखापाखि हजार रु अधिक वर्ष सेमाने एही टेक्निक को लुचेबार सफल होइथिले, एवं बाहर को केवल सेमाने सिल्क्र वस्त्र रप्तानी करथिले, निजे टेक्निक कहुनथिले काहाकु। एवं एही सिल्क्र वस्त्र गुडीकर बहुत डिमांड थिला यूरोप रे, मध्य एशिया रे, आफ्रिका रे भी, एवं गोटे सर्टन रूट मानक देकि आपको सब ट्रांसफर कराला यूरोप को, आफ्रिका को, सेंट्रल एशिया को। यही रूट को कहा जाए सिल्क रूट। तो ये सिल्क रूट गुप्त मानक कंट्रोल में आसी जाइला। एडी 230 बेलू कुषाण मानक मुरुंड मैंने शासन को आसते। अनुमान कराए मुरुंड मैंने कुषाण मानक दूर संपर्क थे, एवं मुरुंड मैंने 250 एडी जाए शासन करते। 275 एडी बेलू गुप्त मानक शासन आरंभ हो। तो प्रथम भाग पर यकी धन्यवाद।